सिलगढ़ी को नजिकै जलपाईगुड़ी क्षेत्र में चारवटा कांगारू उद्धार गरिएको छ। यसमा एउटा मृत रहेको छ। शुक्रवार राति बैकुंठपुर जंगलसँग जोड़िएको गजलडुब्बा को नहर रोड क्षेत्रबाट पहिलोपल्ट दुईवटा कांगारू उद्धार गरिएको थियो। त्यसैगरी डाबग्राम को फाराबारी नेपाली बस्तीबाट वन विभाग द्वारा अर्को कांगारू को बच्चा उद्धार गरिएको छ। शनिबार बिहान अझै एउटा कांगारू को बच्चा उद्धार गरिएको छ। तर यसपल्ट उद्धार गरिएको बच्चा मृत अवस्थामा रहेको वन विभागले जनाएको छ। एकपछि अर्को कांगारू उद्धार गरिएको घटनाले क्षेत्रमा हलचल मचिएको छ। यस घटनाको कारण कांगारूको पनि तस्करी हुने गरेको वन विभागको अनुमान रहेको छ। ये कंगारू किसी दिन का अभी देखने में लग रहा है ये कंगारू ही है। जहाँ तक हम लोगों को पता है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन हम फाराबाड़ी के निवासी बैकुंठपुर जंगल नेपाली बस्ती के हर घर मिलके कुत्तों से इस कंगारू को अभी बचा के घर पे रखा है ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसको हम हैंडओवर करें। और हर इंसान को फॉरेस्ट के प्रति, अपने देश के प्रति, प्रकृति के प्रति ऐसा ही जागरूक होना चाहिए। पहले की तरह ये मार मार नहीं करके ये बचाना चाहिए। मैं अपने साथियों का नाम लेना चाहूंगा जो यहाँ पे खड़े हैं, मुन्ना, दीपक, आसपास के सभी लोग जो इस कंगारू को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं और कुत्तों से बचा के यहाँ पे रखा गया। ये अलग बात है कि ये कंगारू जहां तक देखा गया ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिलहाल अभी फोन कर दिया गया है और शायद थोड़े ही देर में आ जाएंगे। मैं आभारी क्योंकि मैं भी यहाँ का निवासी हूँ। फाराबाड़ी नेपाली बस्ती का बैकुंठपुर फॉरेस्ट रेंज के अंदर में आता है कि हम लोग इतने जागरूक हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह जागरूक बनिए। कोई भी जानवर अगर आए तो उसके प्रति अपना प्यार रखिए, वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं इस प्रकृति के। তো আমরা